उसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे और मुख्तार अंसारी जो है 25 अक्टूबर 2005 से गाजीपुर जेल में निरुद्ध थे और ये घटना 2009 की है। उस समय भी मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में निरुद्ध थे और FIR में नामजद नहीं थे। सोनू यादव एक नामजद अभियुक्त था जो कि इस मुकदमे में पहले ही कई वर्षों पूर्व ही बरी हो चुका है और मुख्तार अंसारी को आज माननीय न्यायाधीश महोदय MP MLA कोर्ट द्वारा आज 120B भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया गया है। और इनका ट्रायल उस समय तक इनके ऊपर चार्ज नहीं बना था, वो पत्रावली अलग करके इनका बाद में सोनू यादव का विचारण पत्रावली अलग करके किया गया था। इनके बाद इनके मामले में बाद में चार्ज बना और MP MLA कोर्ट इलाहाबाद में इनका संपूर्ण ट्रायल हुआ था और यहाँ पर 313 बनाकर निर्णय किया। जनपद गाजीपुर वो जनपद शहीदों की धरती कहा जाता है और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तार अंसारी को 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है, लेकिन उनके ऊपर 24 ग्यारह 2009 को मोहम्मदाबाद कोतवाली में 307 के तहत IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कहा गया कि 200B के तहत उन्होंने कत्ल करने की साजिश रची थी। आज उसे उनकी विशेष MLA MP कोर्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास्तव के न्यायालय में 6 मई 2023 को बहस मुकम्मल हुआ था और आज 17 मई को उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी से बात की जा रही थी तो उन्हें बताया कि मैं जेल में बंद हूं, लेकिन मुझ पर न जाने कितने मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। इस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया है और ये भी कहा है कि उनकी हिफाजत और उनके जो सहूलत है उन्हें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रयागराज में भी विगत दिनों जस्टिस KJ ठाकुर और जस्टिस शिवशंकर प्रसाद की डिविजनल बेंच में मुख्तार अंसारी के अहलिया अफसा अंसारी ने अर्जी दिया था कि मेरे शौहर को कत्ल करने की साजिश रची जा रही है और उस वक्त जिस तरह से अतीक अहमद को कोर्ट के बहाने पेश करने के बहाने ले जाया गया और उनकी हत्या कर दी गई, इस बात को संज्ञान जब अफसा अंसारी ने दिया तो कोर्ट में जस्टिस KJ ठाकुर और जस्टिस शिवशंकर ने की प्रसाद की डिविजनल बेंच ने मुख्तार अंसारी की अहलिया की अर्जी को गौर से सुनने के बाद इस पर निर्णय दिया कि आज के बाद से मुख्तार अंसारी जब भी कोर्ट में पेश हों तो उनके सिक्योरिटी में काफ़ी इजाफा कर दिया जाए, काफ़ी सख्त कर दिया जाए और उनसे मीडिया इंटरव्यू पे हर तरह की पाबंदी लगा दी गई। साथ ही साथ कोर्ट ने भी कहा कि मीडिया इंटरव्यू पाबंदी लगाने के मैं कराने के लिए ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए लगाना पड़ रहा है। मीडिया से बातें होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से प्रयागराज के अंदर पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अली का कत्ल कर दिया गया है मीडिया का सहारा लेकर, इसको देखते हुए मुख्तार अंसारी को जब भी कोर्ट में पेश किया जाए तो मीडिया को बिल्कुल दूर रखा जाए और उनकी सख्त हिफाजत की जाए। DIG उत्तर प्रदेश को जो हिदायत दी गई है उस हिदायत के तहत IG जेल और IG प्रयागराज ने 70 CCTV कैमरे के तहत मुख्तार अंसारी की निगरानी कर रहे हैं और DSP मोहम्मदाबाद ने हल्फनामा देकर कोर्ट ने बताया है कि मुख्तार अंसारी की हिफाजत के लिए एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल और 2 पुलिस ड्राइवर लगा दिया गया है। इस तरह मुख्तार अंसारी की हिफाजत में सख्त तो कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जो विशेष MLA MP कोर्ट विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास्तव जनपद गाजीपुर
के द्वारा बाइज्जत मुख्तार अंसारी को रिहा कर दिए जाने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अधिवक्ता ने क्या बयान दिया है आप भी सुने D72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। वकील साहब, आज MPML कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मामला विचाराधीन था, आपराधिक षड्यंत्र का 120B का, क्या उसमें निर्णय कोर्ट ने आज दिया? देखिए, आज जो मामला था ये 2009 का मामला था, थाना मोहम्मदाबाद कोतवाली गाजीपुर में एक 307 का FIR पंजीकृत कराया गया था मीर हसन द्वारा। उसमें मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे और मुख्तार अंसारी जो है 25 अक्टूबर 2005 से गाजीपुर जेल में निरुद्ध थे और ये घटना 2009 की है। उस समय भी मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में निरुद्ध थे और FIR में नामजद नहीं थे। सोनू यादव एक नामजद अभियुक्त था जो कि इस मुकदमे में पहले ही कई वर्षों पूर्व ही बरी हो चुका है और मुख्तार अंसारी को आज माननीय न्यायाधीश महोदय MPML कोर्ट द्वारा आज 120B भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया गया है। वकील साहब, जो 20 तारीख को फैसला आना है उस मामले में, इस मामले को भी कहीं चार्ज में शामिल किया गया था, तो क्या लगता है उस फैसले में भी कुछ असर पड़ सकता है उस पर भी? देखिए, जो 20 तारीख को लगा है करंडा गैंगस्टर का, उस गैंग चार्ट में यह मुकदमा दर्शाया गया है और एक मुकदमा जो है 302 का करंडा थाने का कपिलदेव सिंह हत्याकांड का वो दर्शाया गया। दो मुकदमे जो है दर्शाए गए हैं जो 20 तारीख को लगा है। अब उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय का जो भी आदेश होगा, हम लोग माननीय न्यायाधीश महोदय का सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करेंगे। जो भी फैसला आएगा अदालत का उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग न्यायाधीश महोदय के आदेश का अनुपालन करेंगे। नीरज जी, आज जो MPML कोर्ट में एक मामला चल रहा था 307 का, जिसमें 120B के तहत मुलजिम थे मुख्तार अंसारी, क्या फैसला आया, क्या निर्णय कोर्ट ने दिया? ये 24/11/2009 को मीर हसन नामक व्यक्ति के ऊपर थाना मोहम्मदाबाद में जानलेवा हमला हुआ था और उसी मामले में 120B के भाई IPC के तहत इनके ऊपर भी आरोप पत्र आया था और 2010 में ही सोनू यादव, जो मेन एक्यूज था जिसके बारे में गोली चलाना कहा जाता है, उसका एक्यूटल 2010 में ही हो गया था और इनका ट्रायल उस समय तक इनके ऊपर चार्ज नहीं बना था, वो पत्रावली अलग करके इनका बाद में सोनू यादव का विचारण पत्रावली अलग करके किया गया था। इनके बाद इनके मामले में बाद में चार्ज बना और MPML कोर्ट इलाहाबाद में इनका संपूर्ण ट्रायल हुआ था और यहाँ पर 313 बनाकर निर्णय किया गया। क्या निर्णय? निर्णय में इनको दोष मुक्ति प्रदान की गई, क्योंकि पहले से हो चुका था इसलिए इनको भी यही ग्राउंड पर। जी।